ओ मेरे खुदा दिल हुआ फिदा हादसा ये न जाने कब हुआ। सीजन वन एपिसोड 63 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इनाम और मैं आऊंगा एक छोटे से मैसेज के बाद। वेलकम बैक। आज का एपिसोड का नाम है द ब्लाइंड गर्ल और कहानी शुरू होती है एक अंधी लड़की से। और अंधी लड़की जो है बहुत 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 ही खूबसूरत रहती है और उसी से बहुत अंदर जितनी खूबसूरती उसके बाहर है उतना क्रोध उसके दिल में है, क्योंकि वो दुनिया को नफरत करती है, क्योंकि वो दुनिया को देख नहीं सकती। पर उसको एक बंदा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, जो भी वो बोलती है वो सुनता है, करता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करता है। पर वो लड़की जो अंधी है, जो अंधी लड़की उसको कुछ घास फूस भी नहीं देती, बट उसके साथ रहती है जैसे लोग रहते हैं साथ में। अंटिल वन डे वो बोलती है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और ये पूछता है क्यों ब्रेकअप करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत ही मोहब्बत करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत करता रहूंगा। तो बोलती है नहीं, मैं दुनिया को देख नहीं सकती और मुझे तुम नजर नहीं आते। अगर तुम नजर आ गए तभी मुझे अंदर से खुशी मिलेगी और उसी खुशी से मुझे दुनिया भर के रस्म और रिवाज को तुम्हारे साथ निभाऊंगी। तो बंदा सुनता है, देखता है और वो बहुत कोशिश करके फाइनली उसको एक हॉस्पिटल को लेकर जाता है, जहां वहां पूछ पूछ के फाइनली एक दो आंख रेडी रहते हैं ट्रांसप्लांट के लिए और लड़की को नया आंख मिलता है। जब लड़की खोलती है, देखती है कि कौन है जो बंदा इसके साथ है, देखती है कि वो 1% भी अच्छा नहीं रहता है। और उसी समय वो ब्रेकअप कर देती है, बोलती है कि नहीं तुम तो, अरे कौन हो तुम तो बहुत गंदे हो, क्या हो तुम, 1% भी अच्छे नहीं और मैं तुम्हारे साथ ही क्या फैम करके चले जाती है और किसी और के साथ चले जाती है और बहुत खुश रहती है। लड़का कुछ नहीं कहता है, बंदे तो हमेशा वैसे ही रहते हैं। इस कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जिस बंदे ने उसको आंख दिया था वो था उसका बॉयफ्रेंड। तो उसी के आंखों से वो दुनिया को देख रही है और उसी ने लड़के को छोड़कर जिंदगी बना ली। इस सैड एंडिंग से मैं खत्म करता हूं आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा, सीजन 164 में मिलूंगा मैं। मेरा नाम है इनाम और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ओ मेरे खुदा दिल हुआ फिदा हादसा ये न जाने कब।